भूमिका निभाया, समाज धर्म निभाया और सारे देशवासियों को उन्होंने अत्यंत सात्विक प्रेरणा दी। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपको हमको सबको सम्मिलित होने का मौका मिला है, उसको भगवान का आशीर्वाद मानते हुए आज यहाँ से कोई ना कोई एक अच्छा सच्चा सात्विक संकल्प लेकर जाइए कि अब आने वाला जो बचा हुआ जीवन है उसको और ज्यादा ईमानदारी से और ज्यादा निस्वार्थ भाव से हम भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मानव कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ आप सब यहाँ से करके गए यही शायद इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता होगी और यही शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है। वो यही हमसे सुनते हुए हमारे भारत के सब लोग छोटे छोटे समय अपने जीवन के अंदर पाले, अपने आप को खुद तो जी रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए भी थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा समाज और देश के लिए भी जीना शुरू करें और भारत आने वाले 2022 तक वो एक नए भारत के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं।